लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका नाम है वर्ड लाइक टू। कहां, कैसे, कब यूज करते हैं, थोड़ी देर से अपन सारा कुछ सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले कुछ शब्द बता रहे हैं हम आपको, जैसे ना चाहेगी, ना चाहूंगा, ना चाहेगा, कुछ ही शब्द हैं। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल लेते हैं, राहुल दौड़ना चाहेगा, इन शब्दों में मैच कर रहा है कहीं पे, यहां पे मैच कर रहा है तीसरे वाले सेंटेंस। तो देखो, ऐसे सेंटेंस जिसमें लास्ट में ना चाहेगा, ना चाहेगी, ना चाहूंगा आता है, उसमें यूज करते हैं वुड लाइक टू। तो हमेशा की तरह अपन आते हैं रूल पर। सबसे पहले अपन लिखेंगे सब्जेक्ट, देन वुड लाइक टू। ठीक है, अब देखो जरा इसके बाद क्या है, वुड लाइक टू का यूज कर देंगे, ना चाहेगा, ना चाहेगी और ना चाहूंगा। फिर करेंगे अपन वर्ब, वर्ब मतलब क्या होती है, क्रिया। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना है टू के बाद वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम आपको बताएंगे। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज करते हैं इन्फिनेटिव में। ठीक है, इन्फिनेटिव का भी टॉपिक लेके आएंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे अपन, अभी देखते हैं। इसके बाद आएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो सेंटेंस पे आते हैं, राहुल दौड़ना चाहेगा, क्या लिखेंगे, राहुल सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, ना चाहेगा, वुड लाइक टू, दौड़ने को क्या बोलते हैं, रन। ठीक है, चलो दूसरा सेंटेंस देखते हैं, अब मैं घर जाना चाहूंगा, अब मैं घर जाना चाहूंगा। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, पहले इसको बनाना, मैं घर जाना चाहूंगा, क्या लिखेंगे, आई, ना चाहूंगा लिखा है, इसमें मैच कर रहा है, ये कर रहा है। उसके बाद क्या लगाएंगे, वुड लाइक टू, जाने के लिए क्या बोलते हैं, गो, गो क्या है, वर्ब है, यहाँ पे वर्ब लगानी है, गो टू कहाँ, घर, गो टू होम। अब क्या लिखा है, अब मतलब क्या होता है, नाउ, ये सबसे आगे लगा देंगे, क्या बन जाएगा सेंटेंस, नाउ आई वुड लाइक टू गो टू होम। ऐसे एक सेंटेंस है, अब मैं तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलना चाहूंगा, तो क्या बनाएंगे, नाउ आई वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट विथ यू। थैंक यू, छोटा सा टॉपिक था, क्लियर है।